नमस्कार जय सी एस सी मैं समर चौधरी और आज मेरे साथ सुनील सर हैं तो सर सबसे पहले टेक्नो ट्वेंटी तो तो और एक बहुत अच्छा एग्जाम अपन ने कंडक्ट करा है सात स्टेट में जिसमें अपने को पेरेंट्स और बच्चों का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला बहुत तो, शानदार बिल्कुल सर तो और आप क्या कहना चाहोगे सर समर सर सबसे मेन चीज है कि पहली बार इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट हुआ बिल्कुल सर सेवन स्टेट में कंडक्ट हुआ बिल्कुल सर वन लैख थर्टी एट थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स इसके एस्पायरेंट्स बने बिल्कुल सर इसके भागीदार बने और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स का जो अपने बच्चे को एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे ले जाने के लिए इस पहले कदम के भागीदार बने हैं तो जितनी सोच बड़ी होगी उतने ही आपके बच्चे के पंख भी फैलते जाएंगे उतना ही बड़ा उसका मुकाम भी हासिल होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी टेक्नो 24 फोर एसपेरेंट्स का उन सभी पेरेंट्स का जिन्होंने सीएलसी के ऊपर विश्वास किया और अपने और बच्चे को रजिस्टर कराया टेक्नो 24 के लिए। टेक्नो 24 के के लिए रजिस्टर करवाया प्रतिभाओं को तलाश कर तलाशने के इस महाअभियान में जो क्लास फिफ्थ से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करवाया गया उन सभी स्टूडेंट को सीएलसी की तरफ से पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन और जल्द ही उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इस वीडियो सॉल्यूशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है आपका जो भी पेपर रहा उसके जो भी कंटेंट थे जो भी सब्जेक्ट थे उसका कंप्लीट डेप्थ वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको और इस पेपर की खास बात जो बच्चों के द्वारा हमें मालूम हुई वो बात थी कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होना एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सर जिन्होंने पहली बार ओएमआर को अप्रोच किया था पहली बार ओएमआर बेस्ड पेपर दिया था तो कहीं ना कहीं एक रास्ता और माइंड का जो एक्सपेंशन है इस चीजों को लेकर की वो हमारे बेस्ड पेपर कैसे होते हैं और कॉम्पिटेटिव अप्रोच कैसी होती है एक कॉम्पिटिशन में आप एग्जाम कैसे देते हैं सात स्टेट के बच्चों के साथ अपनी क्लास के एग्जाम दे रहे हैं कि बाईस नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको ये पता रहेगा कि मैं सात स्टेट में मेरी क्लास में बच्चों में कहा खड़ा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा एक अच्छा प्लेटफॉर्म ने दिया है बच्चे को तो बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा प्लस आपको पता ही है कि एग्जाम के साथ में अपन एक डिटेल्ड वाइज अपन मार्क्सिट प्रोवाइड कराएंगे उस बच्चे को पता लगेगा कि इस, इस टॉपिक से मेरे सवाल आए थे कौन सा होगा, या जो मेरा नीट का एग्जाम होगा जेई का एग्जाम होगा तो मुझे कौन से टॉपिक्स पे और ध्यान देना किस टॉपिक पे करना और सबसे खास बात यह भी रही सिलेबस पढ़ा था ना अपने स्कूल में उसी के ऊपर बेस्ड ये पेपर कंडक्ट करवाया गया अभी जो रिमेनिंग सिलेबस है उससे कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होना ये बच्चे के अंदर फिर से एक कॉन्फिडेंस के लेवल को अराइज करता हैं तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के बारे में और जो आंसर की अपलोड हुई आज ये वीडियो सॉल्यूशन हो रहा है एक बार मैं फिर से चाहूँगा कि इनकी डेट्स क्या क्या रहेंगी सर अपन ने पांच नवंबर शाम पांच बजे टेक्नो ट्वेंटी फोर की आंसर की अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी आज आठ नवंबर रात को बजे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम तो सेपरेटली अपन अपने, अपने चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं और उसके बाद बाईस नवम्बर को अपन टेक्नो ट्वेंटी का पांच बजे रिजल्ट डिक्लेयर करने मेगा, वाले हैं मेगा अनाउंसमेंट मेगा अनाउंसमेंट हो जाएगा क्या जीता है क्या कैश जीता है क्या स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है इस सब का अनाउंसमेंट मैं कहना चाहूंगा एक कुबेर का खजाना है बिल्कुल बाईस तारीख को जाएगा और आपने उसमें क्या-क्या भागीदारी निभाई है आपने वो सब कुछ बिल्कुल सर सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट थैंक यू जेसीएलसी हेलो स्टूडेंट सेल्फ कुलदीप राठौर टीम मैथमेटिक्स सीएलसीसी कर वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ सीएलसी टेक्नो 2024 फॉर क्लास 7 सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन कोफिशिएंट्स आर -4/3 minus 4 by 3, 1 by 4 and 3, so we have to multiply these 3 coefficient minus 4 by 3, 1 by 4 and 3, so 3, 3 cancel, 4, 4 cancel, so obviously it is equals to minus 1, so option number third is the correct answer. Now proceed with question number 2, what should be subtracted from 1 to get, let us say y subtracted from 1 to get 1 minus x plus 2 x square. One one cancel. so minus y equal to this, so y equal to minus x minus means plus x minus two x square, so x minus two x square. Option number third is correct. Now question number three, The LCM of these two factors, these two numbers, these two polynomials, x square minus sixteen, x square minus sixteen have factors x minus four and x plus four, and two x square minus nine x plus four has factors as let us say 9x is written as 8x and x. 2x square minus 8x minus x plus 4. 2x is taken as common x minus 4. Minus 1 is taken as common x minus 4. x minus 4 and the second factor is 2x minus 1. So, LCM for LCM we have to take common and uncommon all factors. x minus 4 is the common. So, first is x minus 4 and x plus 4 and last remaining is 2x minus 1 so our option is 2x minus 1 x plus 4 x minus 4 option number 4 is correct answer now find the area of a circle if its radius is 14 mm area of circle is pi r is square so pi is 22 by 7 and r is 14 mm so 14 is square means mm square 22 by 7 and 14 into 14 divided by 7. That we give 2. 22 into 28. 22 into 28 is 6, 20, 616 mm square. 616 mm square means second option. Question number five. Find the area of a square if the side of a square is 4 square. Area of a square is side square. Side means 4 centimeter, 4 square means 16 centimeter square. Option number 4th is the correct answer. U ratio V means U by V equal to 4 by 7, and V ratio U any yani V by W is 9 by 7. Now we have to calculate the value of W when U is given. After multiplying these two, we, we can say that V can be cancelled. So, U by V. Into V by W, 4 by 7 into 9 by 7, V and V is cancelled, value of U is 72 and W is not there, we have to calculate 9 and 4 upon 7 into 7, 9, 8, 72, 4 to 8, 49 W, 2 by W is equals to 1 by 49. So, W is equals to 2 into 49 by cross multiplying it is equals to 98. So, option number first is correct. Question number 7 20% of A, 20% of A is 20 by 100 into A, 30% of B, and 30 by 100 into B and 1 by 6 of C. So, 1 by 6 into C. It is equals 1 by 5 means a by 5 equal to 3 b by 10 equal to c by 6. Now divide it by 3. After dividing 3 it is a by 15, it is b by 10 equal to c by 18. So ratio of a b c is 15, ratio 10, ratio 18. Option number 4. Now, question number 8: if a is 25 percent less than b, so a equal to b minus 25 percent of b 25 by 100 into b that is 3 b by 4 because it is b by 4 b minus b by 4 equal to 3 b by 4. So, value of b that is 4 4a by 3. Now put b equal to here, b equal to 4a by 3 here, 2 into 4a by 3 minus a upon a, it is equals to 8a by 3 minus a upon a. 8a by 3 a minus a equal to 5a by 3 upon a. So it is equals to 5 by 3. Our answer is 5 by 3. That is in option number four question number 9 which of the following is the multiplicative identity for n integer a that is always equals to 1 so option number 2 is correct if a and b are two integer then which of the following may not be integer because if a and b are integer then their sum is integer their product is integer their subtraction is integer but their divi division can be a fraction may be fraction so it may not be an integer so there is a possibility that divide divide, divide is may not be integer so option number second is correct now question number 11 if 23rd what is the 23rd even number in the sequence after 235 let's check 235 236 is the first even number after that odd 238 second, after that odd, so first, second, so this pair give a even number, this pair is also given a even number and say odd and even. We have to find out 23, so this is the 23rd, 2, 2, 2, every 2 will give 23rd into 2. Means 46 numbers. So here 45th number is the even. We can calculate 46th number that is 235 plus not 46. 46th number give odd number. So even number give 45th, 45, 45 plus 45. That is 280. The 280 is the third. So option number third is our answer. Now question number 12 we have to write this number into this form now for 1 we have to divide 45 53 by 45 to 1 upon 1 upon 1 plus sorry it is 45 45 after 1 is quotient the remainder is 8 upon 45

you have to write c minus 2 by 5 minus 2 by 5 means c minus 2 by 5 equal to 8 by 5 here it is a it is b so c is equals to 2 8 by 5 plus 2 by 5 equal to 10 by 5 means 2 so c equal to 2 4a 4 into a a means 1 minus b means 5 and c plus 6 4 plus 6 10 10 minus 5 equal to 5 so option number 4th is the correct answer now question number 13 466 we have to add these numbers. simply we can add by standard 460 so 460 is 6 5 now 46

correct answer 14 number the value of just write in the simple form 0 0.005 means 5 by 1000 multiply 0 0.008 means 0 0.008 upon 0 0.002 minus 0 0.012 upon 0.0 फोर डिवाइडेड बाई मीन वन अपॉन मल्टीप्लाई कर देते वन बाई टू हंड्रेड हियर इट इज जीरो यू कैन राइट जीरो फोर्टी माइनस दैट इज थ्री बाई टेन

10 means 19.85. 19.85 is the second option. Now, question number 15 simplification on simplification. Here it is 0 0.65 square minus 0 0.16 square. We know that a formula a square minus b square equal to a minus b and a plus b. a minus b means 0 0.65 minus 0 0.16 and a plus b means 0.65

After taking 10 into 10, here it is. Become, it will become 4.25. 4.25. It will become 7, 6.75. 4.25. So 6.75 square plus 4.25 square plus 6.75 into 4.25. Simply we know that a cube minus b cube equal to a minus b into a square plus b square plus ab. Here a equal to 6.5 and b equal to 4.25. So, let us say 6.75 equal to a and b equal to 4.25. So, it will become a cube minus b cube. So, it is a minus b and a square plus b square plus ab upon it will become 10 into 10 that is 100 into a square plus B square plus A into B. A square B square is cancelled out. A minus B means 6.75 minus 4.25 upon 100. 6.75 4.25 is 2.5 upon 100, .25 2 .5 upon 100 means 0 0.025 is the answer. 0 0.025. It is the fourth option. Now proceed with question number 17. 4 and 4 is cancelled. So it is x plus 1 by 4 equal to 2. So x equal to 2 minus 1 by 4 that is 7 by 4. So option number 2 is correct. Now question number 18. Of the following, the linear equation in one variable is it is the quadratic 4 into 4 equal to x into x that is x square equal to 16. So it can be cannot be a linear equation and it is not a linear equation because after simplifying it will become x minus 1 plus x upon x into x minus 1 equal to 1 taking LCM as x into x minus 1. It will also become quadratic because x into x minus 1 give a number that is that that appear x square. It is simply equal to x 2x minus 1 upon x square minus x equal to 1 2x minus 1 after cross multiplying x square minus x. So, it has a term of a square. It is clearly visible that it is a quadratic. Here it is 6, 2 or 3 LCM. After taking LCM, 2 or 3, it will become 6, 3x plus 2x equal to 1 by 4. So, it is a linear equation because here highest power of x is 1. So, option number third is the correct answer. 19 question, the perimeter of a rectangle is 20 centimeter because perimeter of rectangle is 2 times L plus B, here breadth is given, sorry length is given, length is 6, so 2 into 6 plus breadth, perimeter is 20, 2 10 20, so, 10 equal to 6 plus B, so, 6 transferred here B, so value of B is 4, 4 is the first option, so 19. Now if A plus B equal to 29 B plus C equal to 45 A plus C equal to 44 and the value of A plus B plus C. Here A plus B plus A plus B B plus C C plus A plus C. If we add all these three equations A plus B plus B plus C and last A plus C equal to 29 plus 45 plus 44 A plus B B plus C. A, a 2 A, B b2b b and c2c c c equal to 29 45 44 it will give 8 11 118 by taking 2 as common a plus b plus c equal to 118 after dividing by 2 we will get value of a plus b plus c 2 5 and 9 59 is the answer so option number 3 is the correct answer so next question is question number twenty-one. Which of the following cannot be the side of triangle? If so, if these are the side, then sum of two sides is always greater than the third side. Here it is possible that three plus four is greater than five, obviously. Either four plus five is greater than six. This triangle is also possible. One plus two is equals to three. So this triangle cannot be possible. So option number second is the correct answer. Now, in the following figure, the side BC of triangle ABC is extended up to the point D. Okay, angle A equal to 45, so angle A 45, and angle B equal to 60 degree. So find angle ACD. ACD is the exterior angle, which is always equals to these two sum of these two angles. Means 45 degree plus 60 degree. That is equals to 105 degrees. Sorry, 45 no. 55 degree, 55 plus 60 means 115 degree. 115 degree is the option number third. Question number 23 is in the following figure, line M parallel to QR, then angle QPR. You have to calculate this angle, angle QPR. Let us say it is X. Now, since line L, line M and QR are parallel, so this is 45 it is also 45 because both are alternate interior angle. Now at point P there are three angles 50 degree plus x and 45 degree is equals to 180 degree because M is the line so angle will be 180 degree all three angles will make 180 degree. So 95 plus x equal to 180 degree this implies x equal to 180 minus 95 that is equals to 85 degree so answer will be option number 2 question number 24 the sum of three prime number is 100 if there are three prime number and the sum of these prime numbers is even then surely one number is also an even number and that prime number which is even is always 2 because 2 is the only prime number which is even so let's say other two prime numbers are x and y. sum of these three numbers, three prime numbers is equals to 100. so x plus y equal to 98. equation number 1. now, the one of them exceed another by 24. let's say x is exceed x equal to y plus 24. first equation number 2 by using second and first. We get x and y. So put value of x from 2 into 1 y plus 24 plus y equal to 98. Transfer 24 to the right hand side to y equal to 98 minus 24. That will become 474 2y. So y equal to 37, 37. 37 is not in the option. So it may be. Y plus 24, so X equal to 37 plus 24, 7 and 4, 11 and 5 and 6. So number is 61. So option number four is the correct answer. In the figure, AB is parallel to DF. AB is first of all, we can say that this angle is 55 because vertically opposite angles. Now, AB is parallel to DF. So, this angle is equal to 65. These are the alternate interior angles 65, 55. Means 120. So, it is 60. If it is 60, then it is also 60 because these are vertically opposite. And so, now AD is also parallel to FG. So, this is 65. It is also 65, 65, 60 we have to find out the fgh fgh is the exterior angle for the point g in the triangle efg so g fgh is equal to angle fgh equal to x and that is x equals to 60 plus 65 so it is equals to 125 so option number 4th is correct thank you very much hello friends i am nilesh plania math faculty clc seeker now we are discussing the video solution of the

plus 2 c minus 2 and a plus 2 and this one is a minus 2 Matlab series becomes as a minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 then minus plus minus plus minus plus minus and this one is plus minus 2 as minus 2 q next p plus 2 t sorry p plus t p plus 2 r q r next r minus 2 QRP This one delete, this one delete, this one, then this one is the right answer. Next, but we make the cross check 11, 14 minus 2, 10, 12, 11 plus 2, 13, 12 minus 2, 10, 5 plus 2, 7. Then our answer is that Q R P K L M J Z. Option number first is a right answer. Identify the diagram that the best represent the relation among the given the classes. Mizoram Manipur are the streets of our country. That our option number third is the right answer. In the given figure, which number represent the plastic table which are wooden? Plastic tables means this one. A plastic tables, sorry. Plastic tables. Madla four and seven are the plastic tables. Which are wooden? Which are wooden? Only four are wooden. Option number fourth is a right denotes divide p denotes divide q denotes multiply r denotes plus s denotes minus okay then 16 q multiply by 12 p divided by 6 r means plus 5 s means minus 4 equals to question mark is that clear 2 32 plus 5 minus 4 plus 1 33 option number Third is a right answer. Find the missing term. The difference between the 2, 3, 5, 7. All the series of the prime number. Then next is the 11. 18 plus 11 equals to 29. Option number. Third is a right answer. Find the missing term. 1, 3, 2, 4, sorry, 3, 4, 5 and next makes the series as 6. 15 plus 6 equals to 21. Option number second is the right answer. Pointing the lady, a girl said. Pointing to a lady, a girl said. She is the daughter-in-law. She is the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. My father's only son. The grandmother of my father's only son.

Then question is that how is the lady related to that girl? How is the lady related to the girl? Lady is the mother of that girl. Okay. Next, B is the husband of P. B is the husband of P. is the only grandson of eq is the only grandson of E. Q is the only grandson of A. Q is the only grandson of A. Who is the wife of D? Who is the wife of D? Who is the wife of D? And mother in law of P and mother in law of P. This one is the mother in law of P. So P is here, then P is married with B, then B is here. How is the B related to D? How is the B related to D? We know that the B is the son of D. Okay. Second is the, uh, sorry, fourth one is the right answer in the given figure which is the exact mirror image of the given word mirror is here mean this option and this option are directly wrong and that sided portions come in this direction this is also right wrong then option number first is a right same mirror image related question then we know that this figure makes in a such way okay and these are the then, then, then this one wrong, this one wrong, and this form the bubbles, and second is a right answer. How many the triangles in the given figure? We have the direct uh, approach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 was a 16th. 16th. How many the squares are there in the given figure? We know that it's the, firstly, we assume that this figure is in such a way. We count the squares in this figure. Then 1, 2, 3, and 2. 3, 2, uh, 3, 2, and 2 into 1. Then 6 plus 2, 8. Okay. 8 is this direction. And now in this 1, this one. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 are there. And one, two, three, this four, or five. five. Sorry, four plus five, nine. Nine or eight, seventeen. Then we calculate the seventeenth squares in the given figure. Okay, and I think there is no other square. Option second is the right answer. A man goes five kilometer in the east then turn right and goes 4 kilometer then c turned left and goes 5 kilometer which direction is he facing now east okay option number 3 is the right answer when the given open dice is closed which dice will be formed in the given then we calculate the open dice in, in open dice the alternate surfaces are always opposite to each other means c and d are the opposite b and f are the opposite and ae are the opposite, and in the dice, we know that the opposite surfaces never came together and never hidden together. Then C and D option deleted. And next, this one is also we know that A and E that's right, deleted. And this one is C and D is deleted. Next, A is not here, D, C is not here, B. But the option number C is a right, only C is a right answer, okay. Next, the portion of the dice are given below. Identify the number on which surface opposite to six. Opposite to six, we calculated. Uh, select the any two dices whose one surface is the common and in the three and this one, this one, this one, this one, we get five and three, five and three, six and four are opposite. But from this one and this one, we can get the three is the common and three to six. and 3 5 4 we want to know the opposite of 6 opposite of 6 is a 4 okay that is a right answer option number second is the right answer okay dear thank you Myself Narendra Kumar, Team Physics CLC Seeker. Today we are going to discuss questions of physics section of class 7 in Techno exam. Question 41. When a body covers equal distances in equal intervals of time, Means normally we say distance per unit time is speed, but equal distance travelled in equal interval of time means uniform speed. So, motion will be uniform motion. Let us move to the next question. Average speed of a car is given 90 kilometer per hour. In SI unit, it can be expressed. SI unit is meter per second and 90 kilometer per hour. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second and after solving we will get 25 meter per second so correct option will be 3 next question number 43 variation of velocity of a particle moving along we have to calculate distance traveled in first 4 second we already know area enclosed by velocity time graph and time axis will give displacement but graph is above the time axis then displacement and distance traveled both are equal so now we have to find out this area starting from this area it will be a triangular shape a triangle half of base into height base is 1 and height is 20 so it will be 10 now to find the next area one to two second, it will be a rectangular shape, so one into twenty means twenty meter. Now we have to move between two to three, It is like a trap gm that will be half of sum of parallel side. Sum of parallel side means 20 plus 10 into distance between parallel side means 1. By calculation, we will find it will be 15. Next, 3 to 4, it will be a rectangular shape. So, 1 into 10 equal to 10. So, total distance covered will be. 10 plus 20 plus 10 and plus 15. So we will get total distance travelled will be 55 meter. So correct option will be option number three. We just have to find the area of the graph vt and time axis. So just a calculation. Next question number 44. Which of the following is based on heating effect of current? हेयर गीजर हीटर हेयर ड्रायर ऑल ऑफ आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो नो नीड टू थिंक टू मच लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट सो ऑल थ्री आर करेक्ट तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी If 400 milli ampere current flows through a bulb for one minute, we have to find number of electron pass through it then electric current is defined as rate of flow of charge but charge is quantized so it will be integer multiple of electronic charge now we have to put the values current is 400 milliampere and we have to find charge on electron it will be 1.6 into 10 to the power minus 19 एंड टाइम वन मिनट मीन्स सिक्सटी सेकेंड सो बाय कैलकुलेशन वी विल गेट एन इक्वल टू फिफ्टीन इंटू टेन की पावर नाइनटीन इलेक्ट्रॉन सो करेक्ट ऑप्शन विल बी टू सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिल यू बाय पुटिंग ऑल द गिवन डाटाज Let's move to the next question. 47. How many poles does the magnet have? Very simple. Every magnet have two pole. One is north pole and other is south pole. So correct answer will be four. Next, the permanent magnets are kept with soft iron piece at the ends as the keepers. Means they are used to avoid self demagnetization. मीन्स मैग्नेट डू नॉट हैव लूज इट्स मैग्नेटिज्म बाय इट सो वी यूज मैग्नेट की बल्ब हैज टू फिलामेंट सो टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट ऑप्शन वन नेक्स्ट फिफ्टी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव Direction of current is taken from the positive to the negative terminal of the electric cell means positive to negative. So correct option will be two. So we have completed physics section. So I hope all of you have done your paper very well. Thank you. Hello students, you are welcome. In solution of techno 2024, now we discuss about for class 7 chemistry solution. And here the question number fifty one. 51 अमोनियम क्लोराइड एंड वी नो दैट अमोनियम क्लोराइड इज ए सब्लीमेट प्रोडक्ट एंड सब्लिमेट प्रोडक्ट्स को हमको पूरा सेपरेट करना है सैंड से तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे टेक्निक वो कौन सी आएगी सब्लिमेशन

देखो तो विनेगर एसिटिक एसिड है एसिटिक एसिड लाइम वाटर ये बेस होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है कंपाउंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये भी बेकिंग बेसिक सॉल्यूशन है एन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल ही बोलते हैं और वॉशिंग सोडा ये भी एक बेसिक कॉम्पोनेंट है सोडियम कार्बोनेट इसको केमिकली बोलते हैं हमसे पूछा है, हम है ब्लू रेड में कन्वर्ट करेगा वो कौन होगा एसिड और एसिड बेटा इसमें कौन से ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में इज मेंनेगर

उाइव चेंज कौन सा है केमिकल चेंज की कैटेगरी में हम किसको रखेंगे कौन सा इसमें से केमिकल चेंज है क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखो बेटा वाटर का मतलब और को यदि हम इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको हम डीकोज करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर मतलब ये केमिकल चेंज है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कांच का ग्लास का ब्रेक हो जाना वो कोई केमिकल चेंज नहीं है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर ये भी कोई केमिकल चेंज नहीं है

कि कौन से प्रोसेस के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों पॉसिबल है बर्निंग ऑफ कैंडल को हम कह सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल दोनों उसमें चेंज पॉसिबल है बर्निंग ऑफ कैंडल में दो मेल्टिंग वाला पोर्शन है वो उसका फिजिकल चेंज है लेकिन का बर्न होना वो उसका केमिकल चेंज वाला पोर्शन है डाइजेशन ऑफ फूड ओनली केमिकल चेंज का एक्साम्पल है ब्लड प्रोटीन ये भी ओनली केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है तो बात है कि साहब क्या करें

फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम सब कहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए तो की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ सेकंड वाले कॉलम में सी uh, टू आना चाहिए तो बेटा ओ टू ऑप्शन में गिवन है अपन को ऑक्सीजन नहीं आएगी ऑक्सीजन नहीं आएगी इसके अलावा और चेक कर लेता है कि सी ओ टू फोटोसेंस मिली ऑक्सीजन बनी ये ऑक्सीजन क्या कहाँ हेल्प कहा कर सकती है यदि मैं कंबेशन के फॉर्म में यूज करूँ तो भी आ जाएगा कंबेशन प्लस ऑक्सीजन वापस निकालेंगे

English medium है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे Algae and fungus तो हम directly answer यहाँ पे association यहाँ पे एक सिंबायटिक एसोसिएशन की तरह चलता है जो बेनिफिशियल हो जाएगा तो आंसर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर है नाउ इज डैश पैरासिटिक प्लांट कैसा पैरासिटिक प्लांट है पहले तो ये पार्शियल है यहाँ तक तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही चलेगा यहाँ से दैट डैश ग्रीन लीवर यहाँ पे क्या हो जाएगा जो पोजेस करने का काम चलता है लीवस के साथ आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ आंसर आएगा ना हो द नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द मिस मैच पेयर आपको यहाँ पे क्या बताना है एक मिस मैच पेयर बताना है जो गलत पेयरिंग में प्रेजेंट है विनस फ्लाई ट्रैप एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट ये तो सही है यहाँ से ब्लैक ब्रेड मोल्ड अ सेप्रोफिटिक ये भी बिल्कुल सही एग्जांपल है हमारे साथ में रेफ्लेसिया और टोटल पैरासाइट हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आएगा सिक्सटी का नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट काइंड ऑफ टीथ डू यू थिंक आर स्पेशली डेवलप्ड इन कार्निवर्स कार्निवोर्स में कौन से ऐसे टीथ हैं जो अच्छे से वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं वेल well डेवलप्ड में कौन से है इन सीजर कैनाइन प्रीमोलर या मोलर यहाँ पे आंसर आएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन जो कैनाइंस टीथ हो जाते हैं वो कैसे हो जाएंगे यहाँ पे वेल डेवलप्ड फोर्म के साथ स्पेशली फोर्म्ड हो जाते हैं यहाँ पे कार्निवर्स के अंदर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट ह्यूमन बींग्स इन डेंटल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे एडल्ट के अंदर यहाँ पे डेंटल फार्मूला टू वन टू थ्री के हो जाएगा क्योंकि हम हाफ अपर या फिर हाफ लोअर की बात करके चलते हैं तो हाफ अपर हाफ लोअर के अकॉर्डिंगली अगर करोगे तो यहां पे आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन टू वन टू थ्री के लिए आ जाएगा इन कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर्स हो जाएंगे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्सोर्बड न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी सेल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी यहां पे यूज करना है इस वर्ड पे ध्यान देना था हमने यूज करने के लिए कौन सा पार्ट के लिया जाएगा एसिमुलेशन की प्रोसेस हो जाती है जिसमें यूटिलाइजेशन चलता है तो आंसर आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट नंबर मतलब कम नंबर आपने निकालना है यहां से तो लीस्ट नंबर किसमें प्रेजेंट हो जाएगा यहां पे स्कल के अंदर हो जाता है वो कम नंबर होगा बैकबोन आर्म्स और हैंड्स लेग्स और फिट्स इसमें तो मूवमेंट क्या हो जाती है प्रॉपरली चल रही होती है ज्यादा तो आंसर हमारा आएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहां से आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे मूवमेंट्स बतानी है तो सभी के अंदर मूवमेंट्स कौन सी हो जाएगी यहाँ पे बॉल एंड और ग्लाइंडिंग तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स रहते हैं जो सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या कर रहे होते हैं मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ देयर डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इनमें से कौन सा है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा बोन सभी के अंदर नहीं बता सकते आप ब्लड सभी में नहीं बता सकते एंटीना सभी में नहीं हो सकता तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे सेल्स हो जाएंगे जो सभी के अंदर प्रेजेंट रहते तभी हम यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बता के चलते हैं नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ए बायोटिक कंपोनेंट ओनली कौन सा ऐसा हो जाएगा जिसमें सिर्फ ए बायोटिक कम्पोनेंट्स प्रेजेंट होंगे प्लांट एंड एनिमल ये तो कैसे कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे बायोटिक कम्पोनेंट्स में आएंगे एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी अगर ले रहे हो तो बायोटिक कंपोनेंट के साथ में आ जाएंगे बैक्टीरिया एंड फंगी ये भी कैसे हो जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होंगे वॉटर एंड सोयल वॉटर एंड सोयल किसके अंदर आ जाएंगे आएंगे ए बायोटिक कम्पोनेट्स के अंदर आएंगे और हमने आंसर यही बताना था तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर आएगा थैंक यू जय सी एल सी नमस्कार मैं गोविंद गजानी सी एल सी सीकर से मैथ्स फैकल्टी सी एल सी द्वारा आयोजित टेक्नो दो हजार चौबीस जो पांच नवम्बर दो हजार को संपन्न हुआ है टेक्नो ए, टेक्नो का एग्जाम राजस्थान सहित सात राज्यों के अंदर संपन्न हुआ है उसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर 300 से अधिक सेंटर थे और लाखों की तादाद में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था इस एग्ज़ाम के माध्यम से जैसे सीएलसी सी द्वारा बच्चों को कुछ रिवॉर्ड्स कुछ प्राइजेज एंड बच्चों को एजुकेशनल टूर के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड भेजा जाता है और उसके साथ साथ में बच्चे जो जो जिसमें क्षमता नहीं होती है आगे पढ़ने आगे पढ़ने के लिए जो असमर्थ नहीं होते उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है ताकि बच्चों को बच्चों को प्रोत्साहन मिले बच्चे आगे अपनी फर्दर पढ़ाई जो मेडिकल्स की मेडिकल मेडिकल की पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई डिफेंस के सेक्टर में या कहीं पे भी जो भी आपका सेक्टर्स से, है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वहाँ के लिए आपको बेनिफिशियल होता है इन द टर्म्स ऑफ साइंस और उसमें टेक्नो टेक्नो के एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स एक पोर्शन होता मैथ्स का एक, एक, एक एग्जाम होता है मैथ्स के बाद में आपका मेंटल एबिलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सारों के आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें पहले हमारा मैथ्स का जो सेक्शन है मैथ्स के हम क्वेश्चन है वो देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आपको ये आपको टर्म्स दिए हुए हैं ठीक है इसमें आप, आपको क्या पूछना चाह रहा है कि जैसे मान लो ये आपका ये कह रहे हैं यहाँ पे इसके जो गुणांक दिए हुए हैं उन गुणांकों का हमें क्या करना है गुणनफल करना है इनको गुणा करनी है प्रोडक्ट करना है अब ये कह रहे हैं इनकी गुणा करनी है पहला क्या दिया हुआ हमें माइनस चार बट्टे तीन दूसरा क्या दिया हुआ एक बट्टे चार तीसरा क्या दिया हुआ है तीन इनको गुणा करनी है तो माइनस चार बट्टे तीन गुणा एक बट्टे चार गुणा करेंगे तीन से ठीक है अब देखो चार से चार कट गया तीन से तीन कट गया बचा क्या माइनस का एक तो माइनस का एक ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर थर्ड तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा करेक्ट होगा उसके बाद के लिए एक में से क्या घटाए हमें ये प्राप्त करना है और हमें एक में से कुछ घटाना है मतलब एक में से हमने कुछ ए माइनस कर दिया तो हमें मिलना क्या चाहिए एक माइनस एक्स प्लस दो एक्स स्क्वायर ठीक है तो पहले क्या करेंगे A का पक्षांतरण कर देंगे तो ए का उधर बेच दिया तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस एक्वल टू एक माइनस एक्स प्लस दो एक्स स्क्वायर इसमें से माइनस क्या करेंगे एक से एक कट गया एक में से A कट गया तो माइनस ए का मान कितना आ गया माइनस का एक्स प्लस दो एक्स स्क्वायर हमें क्या करना है एक का मान चाहिए तो चेंज कर दो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर ये पद हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्सर क्या है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लस ज्ञात करना है किसका इसका एक्स स्क्वायर माइनस सोलह का और दो एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस चार सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सोलह बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस चार और एक्स माइनस चार ये इसका गुणनखंड हो गया ठीक है उसके बाद में क्या बोल रहा हुआ है दो एक्स स्क्वे माइनस नौ एक्स प्लस चार इसका गुणनखंड करेंगे तो मध्य पद को क्या करेंगे विभाजित करेंगे मध्य पद को विभाजित करेंगे दो संख्या ऐसी जिनको गुणा करने पे आठ आता और आपको जोड़ने पे क्या आना चाहिए नौ आना चाहिए क्या हो गया आठ और एक तो दो एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स माइनस एक्स प्लस चार तो फर्स्ट टू क्या हो गया टू एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस फोर लास्ट टू में माइनस वन कॉमन आ गया क्या हो जाएगा एक्स माइनस फोर तो क्या हो गया एक्स माइनस फोर और टू एक्स माइनस वन ठीक है अब देखो इन दोनों में हम बात करते हैं एक तो एक्स माइनस वन दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमारा क्या हो गया एक्स माइनस फोर एक तो हमारा क्या हो गया लस ज्ञात करना है तो लस के लिए क्या हो गया एक तो एक्स माइनस फोर हो गया और उसके अलावा क्या बच गया एक्स प्लस फोर तो एक्स प्लस फोर भी लिख दिया और क्या बच गया टू एक्स माइनस वन तो टू एक्स माइनस वन भी लिख दिया तो अब यह किसमें मिल रहा है एक्स प्लस फोर वन यहां पर देखो टू एक्स प्लस वन है मतलब ये गलत हो गया यहां पर टू एक्स प्लस वन दिया ये भी गलत हो गया यहां पर क्या दिया हुआ है टू माइनस फोर यह भी गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट तो आंसर आपको बोल रहा है एक व्रत की त्रिजिया क्या दीवी चौदह मिलीमीटर दी हुई है चौदह मिलीमीटर mm दी हुई त्रिज्या तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर मतलब बाईस बटे सात इंटू चौदह इंटू चौदह चौदह की दो सात के टेबल से चौदह गया दो बार गुणा किया छह सो सोलह मिलीमीटर और स्क्वायर ये हमारे इकाई लगाना कंपल्सरी होता है तो छह सो सोलह किसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी ए करेक्ट आंसर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो भुजा कितनी दी है चार तो चार का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर आपको बोल रहे यू अन, यू और वी यू और अनुपात वी कितना दिया हुआ है चार एक आपको दिया हुआ चार दूसरा दिया हुआ सात फिर दिया हुआ वी अनुपात डब्ल्यू कितना दिया हुआ है एक नौ और एक आपको सात इन का कॉमन अनुपात निकाल लेते हैं कि ये कितना हो गया छत्तीस कितना हो गया 36, ये ये कितना कितना हो गया ये कह का का मान यू का मान दिया हुआ है को किससे गुणा करेंगे दो से गुणा करना पड़ेगा तो हमारे बहत्तर तो को भी हमने क्या किया दो से गुणा किया कितना ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बोल रहे A का बीस प्रतिशत मतलब ए इंटू बीस बट्टे सौ ठीक है फिर आपको बोल रहा है बराबर है बी का तीसें प्रतिशत बी इंटू तीस बट्टे सौ सी का एक बट्टे छ मतलब सी इंटू एक बट्टे सारे के सारे बराबर है अब ये कह रहे अनुपात निकाल के बताओ तो इनका अनुपात ज्ञात करना है तो इनके अनुपात के लिए पहले क्या करेंगे सारों के बट्टे में क्या छोटे के बट्टे में छह एक के बट्टे में सौ एक के में कितना है है, आपका सौ है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं जीरो से जीरो कट कर दिया यहां पे भी जीरो से जीरो कट कर दिया है? तीनों के ए, ये क्या हो गया? दो ए इसके पांच कर दिया ये क्या हो गया तीन बी इसके भी पांच कर दिया और ये क्या है सी बट्टे तीन मतलब तीनों के हर में दो का भाग दे दिया अब बात करते हैं जैसे यहां पे हम बात करते हैं इसके बट्टे में क्या है दो इसके बट्टे में क्या है तीन इसके बट्टे में कुछ भी सॉरी ए के ए गुण, का गुणांक क्या है दो बी का गुणांक क्या है तीन सी का गुणा कुछ भी नहीं है तो हम क्या करते हैं इस दो को इस दो को हम क्या करते हैं यहां से हटाते हैं तो यहां पर क्या कर देंगे ये यहां से हटेगा

ये आपका इकट्ठा नहीं सी बट्टे कितना हो गया आपका अठारह ठीक है अब ये पंद्रह दस अठारह कोई ऑप्शन है क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी ए करेक्ट आंसर ए बी से बीस प्रतिशत अधिक है ए बी से बीस प्रतिशत कम है ए बराबर बी माइनस ट्वेंटी फाइव प्रतिशत ऑफ बी मतलब बी का आपका पच्चीस प्रतिशत तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी माइनस पच्चीस बटे सौ इंटू बी पच्चीस के पारे से एक बार और चार बार तो ए बराबर क्या हो गया तीन बट्टे चार बी ये बात आ गई ए का मान क्या आ गया तीन बटे चार बी के बराबर आ गया अब ये बात क्या कर रहा है कि तीन बी माइनस सॉरी दो बी माइनस ए बट्टे आपका का मान क्या होगा मान कर देते हैं तीन दो बी का दो बी कर देते हैं A का मान कितना है हमारे पास तीन बट्टे चार बी तो तीन बी चार बट्टे में लगा दिया एक बट्टे में क्या हो गया तीन बी बट्टे चार एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का कितना आ गया चार कितना हो गया आठ बी माइनस तीन बी बट्टे में कितना हो गया तीन बी बट्टे चार चार से चार कट गया कितना पांच बी बटे तीन बी बी से बी कट गया आया क्या पांच बटे तीन फाइव बाई थ्री विल बी ए करेक्ट आंसर फाइव बाई थ्री कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वो हमें क्या लग रहा है एकदम करेक्ट आंसर से उसके बाद में देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किसी भी पूर्णांक के लिए गुणात्मक इकाई क्या होती है गुणात्मक इकाई बताया बता कि दो संख्याओं तो तो आपको दिया हुआ ए और बी क्या है दो पूर्णांक निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं हो सकता हम क्या करेंगे यहां पे जब बात करते हैं कि जब हम दो पूर्णांक है दो पूर्णांकों का जब हम क्या करते हैं योगफल करते हैं तो निश्चित रूप से नेक्स्ट क्या आएगा आपका पूर्णांक ही होगा दो दो पूर्णांक जब प्लस में चाहे माइनस में उनको प्लस करेंगे तो या तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा प्लस और माइनस दोनों में क्या होता है पूर्णांक होते हैं दो पूर्णांक को जब भी गुणा करेंगे तब भी क्या मिलेगा हमें पूर्णांक मिलेगा ठीक है दो पूर्णांक को जब भी क्या करेंगे माइनस करेंगे तब भी क्या बनेगा पूर्णांक मिलेगा लेकिन जब भी दो पूर्णांक को भाग देंगे तो जरूरी नहीं है हमेशा हमेशा पूर्णांक मिलेगा तो यहां पे जरूरी नहीं है कि आपके पूर्णांक मिल सकता है तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर 235 के बाद में तेबिस सम संख्या पैंतीस के बाद में क्या आती है दो पहली सम पहली क्या हो गई दो इसके बाद में दो ऐसे करके हम क्या करेंगे इसके बाद में बाईस संख्या होनी चाहिए मतलब बाईस इंटू दो कर दिया कितना हो गया चौबालीस इसमें चौमालीस जोड़ देते हैं तो चौमालीस जोड़ने पे कितना आ गया दो सो अस्सी तो दो सो अस्सी ऑप्शन एक बटे ऐसे करके ऑप्शंस दिया क्वेश्चंस तो को ऐसे करते हैं तो पैंतालीस में हम त्रेपन का भाग इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसको ऐसे बना दिया एक बट्टे तिरपन बट्टे पैंतालीस बराबर एक बट्टे ए प्लस एक बट्टे बी प्लस एक बट्टे सी माइनस दो बट्टे पांच ठीक है अब क्या करते हैं पैंतालीस में तिरपन का भाग देंगे ठीक है हम क्या करते हैं भाग देने के अकॉर्डिंग भाग कितनी बच जाएगा वन टाइम्स और क्या बच जाएगा एट अपॉन फाइव तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया ये ऐसे हो गया एक बट्टे एक प्लस आठ बट्टे पैतालीस बराबर एक बट्टे ए प्लस एक बट्टे बी प्लस एक बट्टे सी माइनस दो बट्टे पांच अब इनमें दोनों में तुलना करते हैं प्लस में एक प्लस में एक मतलब हम यहां से हम तुलना कर देते हैं एक का मान हमारे पास कितना आ गया एक आ गया अब आगे चलते हैं अब क्या हो गया ये पूरा का पूरा, आठ बट्टे पैंतालीस किसके बराबर हो गया इस पूरे टर्म के बराबर हो गया तो हम बात करते हैं आठ बट्टे पैंतालीस किसके बराबर हो गया एक बट्टे कितना बी प्लस एक बट्टे सी माइनस दो बट्टे पांच के इसकी क्या करते हैं इसको हम कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल तो कितना हो पैंतालीस बट्टे इसको मैं अपने क्या कर दिया वो रेसिप्रोकल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया तो रेसिप्रोकल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे कर तो ये कितना हो जाएगा हमारा एक बट्टे बट्टे आठ बराबर एक बट्टे बी प्लस एक बट्टे सी माइनस दो बट्टे पांच इससे नेक्स्ट पद हम कन्वर्ट कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास एक बट्टे अड़ताल में पांच का भाग देंगे पांच बार बराबर पूरा जाएगा पांच प्लस पांच बट्टे आठ बराबर एक बट्टे बी प्लस एक बट्टे सी माइनस दो बट्टे पांच तुलना करेंगे तो यहां से प्लस बी प्लस पांच तो बी का मान और आ गया बी बराबर कितना हो गया पांच हो गया अब आगे चलते हैं यहां से हम वापस आगे बात करेंगे यहां से क्या हो जाएगा पांच बट्टे आठ किसके बराबर हो जाएगा एक सी माइनस दो बट्टे पांच के इसको वापस क्या करेंगे इसका वित्रम कर देंगे इसको बना देंगे हमने बना दिया एक बट्टे आठ बट्टे पांच बराबर एक बट्टे सी माइनस दो बट्टे पांच ठीक है अब यहां से हम सीधा सा कर देते हैं कि ये दोनों के दोनों हर क्या हो गए बराबर हो गए तो c माइनस दो बट्टे पांच बराबर आठ बटे पांच यहां से c का मान आ गया c बराबर आठ बट्टे पांच प्लस दो बट्टे पांच बराबर c का मान कितना आ जाएगा दस बट्टे पांच दो तो c का मान कितना आ गया दो आ गया c का मान दो आने पर c बराबर कितना हो गया दो अब यह क्या बोल जाए चार ए ए चार इंटू ए माइनस बी प्लस पांच इंटू सी करो ए को चार से गुणा किया चार बी की जगह पांच और सी की जगह दो कितना हो गया दस ठीक है तो यहां से आपका ए का एक बी का पांच सॉरी सी का मान कितना है हमारे पास सी का मान दो है यहां पे देखो यहाँ पे यहां कितना होगा पांच तो फाइव विल बी करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर देखो क्वेश्चन नंबर आपको तेरा दिया हुआ है तेरह के अंदर क्या दिया हुआ है फोर सिक्स जीरो सिक्स 0.5 फिर दिया हुआ है 460.65 तीसरा दिया हुआ है 46.065 चौथा दिया हुआ है 4.6065 पांचवा दिया हुआ है 0.4606 इन इन सारों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे डेसिमल जो दशमलव का है वो पूरा नियम का पालन करेंगे तो पूरा नियम का पालन करने पे हमें क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14th है ये कह रहा है 0.05 को मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं इसमें इसका भाग दिया 0.08 भाग दिया 0.002 का पॉइंट हटाया ऊपर क्या हो गया हजार आ गया पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गया सौ आ गया दो की टेबल से ये गया चार बार दो जीरो से दो जीरो गए मतलब इनको कैलकुलेट करने पे कितना आ गया चालीस ठीक है फिर क्या दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो एक दो भाग देना है किसका जीरो पॉइंट जीरो चार पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गया हजार पॉइंट हटाया ऊपर क्या आ गया सौ चार के टेबल से तीन बार दो जीरो से दो जीरो कितना आ गया जीरो पॉइंट तीन तो चालीस में से हमने जीरो पॉइंट तीन को माइनस किया तो कितना आ जाएगा उनतालीस पॉइंट सात ठीक है उनतालीस पॉइंट सात आ गया अब उनतालीस पॉइंट सात को 0, 0 .0, जीरो गीरो पॉँँग गीरो पॉँँग गीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो पांच कितना करना है उनतालीस पॉइंट सात भाग देना है किसका जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक का पॉइंट हटा दो पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गया हजार पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गया दस पॉइंट हटाया ऊपर क्या आ गया हजार तो तीन जीरो से तीन जीरो गए अब कुछ कट रह गया अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं कितना आ गया पांच तीन आसिल कितना आठ कितना चार आसिल कितना उन्नीस ठीक है बट्टे में कितना है बट्टे में हमारे कितना रह गया दस वन नाइन एट सॉरी यहां पे आपको बट्टे में क्या दिया हुआ है बट्टे में, में दिया हुआ जीरो पॉइंट जीरो वन मतलब ऊपर हमारे अंश में जब हम बात करेंगे अंश में कितना आएगा हमारे पास हमारे पास एक जीरो कम रह गया ठीक है हमारे पास कितना है अंश में जीरो रहेंगे ठीक है? अब यहां हमने दो जीरो से दो जीरो गए मतलब दो से पहले पॉइंट लगना है तो यहां पे बात करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे फॉर्मुला लग जाएगा ए स्क्वाइनस बी स्क् एक बार दोनों को प्लस करेंगे एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जीरो पॉइंट एट वन

बट्टे में दिया हुआ छ सात पॉइंट पांच इंटू सड़सठ पांच प्लस बयालीस इंटू बयालीस पांच प्लस सड़सठ पॉइंट पांच इंटू बयालीस पॉइंट पांच ये कह रहे है इनको आपस में क्या करेंगे भाग देने पे क्या आंसर आएगा तो अब यहां पे क्या करेंगे यहां पे पॉइंट के बाद में कितने अंक है दो अंक है दो दो यहाँ पे कितने हैं एक अंक है एक अंक है एक अंक है सारों में एक एक अंक है तो हम क्या करते हैं या तो ऊपर दो अंक है दो की जगह क्या, क्या, क्या करते हैं एक अंक बना लेते हैं या नीचे आपको कितने अंक दिए हुए हैं? दो अंक दिए हुए दो एक अंक दिया हुआ एक अंक की जगह दो अंक बना लेते हैं तो क्या करते हैं जैसे ऊपर वाले को क्या किया सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव माइनस फोर्टी टू पॉइंट फाइव इंटू फोर्टी टू पॉइंट फाइव इंटू फोर्टी टू पॉइंट फाइव बट्टे में देखो यहां पे सारों में क्या करेंगे एक एक पॉइंट हमने क्या कर दिया है पॉइंट कम किया है मतलब हमें दस इंटू दस इंटू दस इसका क्या क्या भाग दिया है अब नीचे क्या हो गया सड़सठ पॉइंट पांच इंटू सड़सठ पॉइंट पांच प्लस बयालीस पॉइंट पांच इंटू बयालीस पॉइंट पांच इंटू आपका सड़सठ पॉइंट पांच इंटू बयालीस पॉइंट पांच यहां पे सूत्र बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब ये आपका हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्सटी सेवन सेवन पॉइंट फाइव माइनस फोर्टी टू सॉरी 42.5 टू पॉइंट फाइव फिर हो जाएगा ए स्क्वायर टू 67.5 पॉइंट फाइव इंटू सिक्स फाइव प्लस फोर्टी टू पॉइंट फाइव इंटू फोर्टी टू पॉइंट फाइव प्लस सिक्सटी पॉइंट फाइव इंटू फोर्टी टू पॉइंट फाइव बट्टे में बट्टी में आपके आ गया हजार ये आ गया इंटू किस पॉइंट पांच प्लस सड़सठ पॉइंट पांच इंटू बयालीस पॉइंट पांच ये आपका आपस में पूरा का पूरा आपस में कैंसल हो गया पूरा कैंसिल हुआ इसमें से इसको माइनस किया माइनस करने पे कितना आ जाएगा पच्चीस बटे हजार मतलब तीन से पहले पॉइंट लगाएंगे तो जीरो पॉइंट जीरो दो पांच तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे वन अपॉन का कर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे फोर टाइम्स एक्स अपॉन फोर कितना हो सेवन अपॉन फोर ठीक है फोर से फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वैल्यून अपन फोर फोर जो आपका दूसरा नंबर है दूसरा नंबर विकल्प है वो सही होगा ये कह x के पद के लिए कौन सी आपके समी, समीकरण क्या है रेखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण की अगर बात करते हैं तो यहां पे बात करते हैं ये आपके रैखिक समीकरण है या नहीं है निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगी टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन एक तो समीकरण है निश्चित रूप से फिर देखते हैं और कोई है 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 क्या ये आपकी है। ये आपकी आपकी द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये भी द्विघात समीकरण है तो रैखिक समीकरण का उदाहरण कौन सा मिल रहा है थर्ड ऑप्शन आयत का परिमाप आयत की लंबाई दी हुई है छह सेंटीमीटर लंबाई आयत का परिमाप का सूत्र में पता होना चाहिए क्या होता है दो इनटू ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है? बीस, ये क्या लंबाई हमारे पास तो दो इंटू चौड़ाई बराबर बीस दो के पहाड़े से ही कट गया दस बार तो प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया दस तो चौड़ाई बराबर चौड़ाई का माप आ गया चौड़ाई बराबर 10 में से 6 माइनस कर दिया कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर 4 सेमी कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ ए प्लस बी का मान दिया हुआ है क्या दिया हुआ ए प्लस बी कितना दिया हुआ है उनतीस आपको दिया हुआ बी प्लस सी बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है पैंतालीस आपको दिया हुआ ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, है चौवालीस ये कह रहे ए प्लस करो तो तीनों को जोड़ लो एक बार ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा उनतीस पैंतालीस इनको जोड़ा उनतीस प्लस पैंतालीस हमारे पास कितना हो गया उनतीस प्लस पैंतालीस साठ चौहत्तर हो जाएगा चौहत्तर में चौवालिस एड करेंगे चौवालिस एड करने पे कितना हो जाएगा एक सौ अठारह यहां से क्या हो गया दो बार ए प्लस बी प्लस सी आ गया बराबर कितना एक सौ अठारह यहां से ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 118 में दो का भाग दिया कितना 59 हमें ए बी सी का मान निकालने का पूछा नहीं है बस ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा था तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट ये ये कह रहा निम्न में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती तो त्रिभुज की भुजा नहीं होने की एक ही कंडीशन है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए तो अब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा इनमें हो रहा है क्या डेफिनेटली हो रहा है तो ये हो सकता है इनमें हो रहा है क्या ये भी हो सकता है ये इनमें हो रहा है क्या ये भी हो सकता है इनमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये नहीं हो सकता लेकिन उसमें पूछा था कौन सा नहीं हो सकता तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर <coughs> आपको दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में बीसी को आगे बढ़ाया हुआ है और डी तक पहुंचाया हुआ है आपको बोल रहा एसी डी ये कौन पूछ रहा है ये कह रहा है ए का मान कितना है ए का मान कितना है पचपन डिग्री बी का मान कितना है साठ डिग्री तो पता है त्रिभुज के बहिष्कोण का योग अन, जो अंदर के अंतराभिमुख कोण होता है उनके योगफल के बराबर होता है तो इन दोनों को जोड़ लिया कितना हो जाएगा 115 तो 115 डिग्री हो जाएगा 115 डिग्री ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर्स आपको दिए क्यूपीआर क्यू पी आर का मान ज्ञात करो ठीक है अब आपको यहां पर यह बोल रहे एम क्या है क्यू आर के समांतर है तो ये देखो ये जेड आकृति बन रही है जेड आकृति के अंदर के बने कौन क्या होते हैं समांतर तो ये कितना हो गया पैंतालीस डिग्री ये पैंतालीस है तो एक रेखा पे बनने वाले को हम क्या बोलते हैं और उन सारों का योग कितना होता पैंतालीस पैंतालीस डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस पचास बराबर कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी डिग्री रेखी कॉन युग में से तो यहां से एंगल क्यूपीआर एक सौ अस्सी में से क्या करेंगे पिछयानवे को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85 डिग्री 85 कौन सा है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है नेक्स्ट आपका तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है सौ है यदि उनमें से एक क्या है एक अन्य चौबीस अधिक है तो तीन अभाज्य संख्या एक ए है एक बी है और एक सी है कितना है सौ तो में पता होना चाहिए तीन अभाज्य संख्याओं का योग ठीक है सौ है तो तीन संख्याएं ऐसी जिनको जोड़ने पे सौ सौ मतलब हम बोल दे सकते हैं सम संख्या तीन संख्याओं को जोड़ने पे सौ समख्या आने की एक दो कंडीशन है या तो तीनों की तीनों क्या होगी सम संख्या होगी अग, और हमें पता है सॉरी सम अभाज्य संख्या केवल और केवल दो है दो प्लस दो प्लस दो सौ नहीं हो सकता मतलब एक बात कंफर्म कन्फ, हो गई कि तीनों आपकी संख्या वाली कंडीशन हमारी एप्लीकेबल यहां पे लागू नहीं हो रही है फिर दूसरी बात होती है एक संख्या सम हो बाकी दोनों क्या

तो बी का एक रिलेशन आ गया सी के टर्म्स में पुट कर देते हैं तो सी प्लस चौबीस प्लस सी बराबर हो गया? यहां से क्या हो गया? दो सी बराबर चौबीस कितना सैतीस सैतीस कोई ऑप्शन है क्या नहीं है मतलब एक अमन एक बोल दिया दो है सी के बारे में बोल दिया सैंतीस है अब बात करते हैं यहां यह पे पुट कर देते हैं तो बी बराबर प्लस 24 कितना जाएगा 61 तो 61 करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट दिए गए चित्र में ये बोल रहे है बी और एफ जी क्या है समांतर रेखा है ए बी कहां पे है ये रहा और एफ जी कहां पे है ये रहा ये दोनों समांतर रेखा है तो ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण बन गया इसलिए ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा ठीक है अब पूछ क्या रहा है एफ जी एच एफ कहां पे है ये रहा जी कहां पे ये रहा एच कहां पे ये रहा ये वाला कौन पूछ रहा है ठीक है अब आपको एफ जी एस निकालना है तो उसके लिए बात करेंगे दिए गए में ठीक है ये आपके दोनों समांतर है आपको बोला ए बी इसके डी एफ के समांतर है ए बी डी एफ के समांतर ए डी ए डी किसके एफ जी के समांतर है तो ये पैंसठ है तो ये भी कितना हो जाएगा पैंसठ डिग्री तो पैंसठ ऑप्शन है क्या कोई एफ जी एच सॉरी एफ जी एच ये वाला कौन निकालना है

ओके okay, ये आपका मैथ्स का सॉल्यूशन हो गया थैंक यू नमस्कार दोस्तों मैं आनंद फैकल्टी मेट आज हम सी एल सी टेक्नो ट्वेंटी फोर का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम पेपर मेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है यदि म्यूजिकल को हम के डब्ल्यू क्यू के ए सी जे लिख सकते हैं तो स्प्रिंकल को किस कैसे लिख सकेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा इसमें लॉजिक देखना होगा कि क्या लॉजिक लग रहा है इसमें अपना लॉजिक लग रहा है क्या माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू और माइनस टू यानी आपके पास में प्लस माइनस टू और प्लस टू का लॉजिक लग रहा है पूरी सीरीज में तो नाइनटीन माइनस टू कितना हो जाएगा आपका सेवनटीन सेवनटीन पे क्या आएगा क्यू फिर सिक्सटीन प्लस टू एटीन आर और एटीन माइनस टू पी आई और आई प्लस टू यानी के और एन एन माइनस टू एल के प्लस टू एम एल एल माइनस टू जे और ई प्लस टू जी आपका क्या आंसर हो जाएगा क्यू आर पी के जे एम जे एल ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताइस आपके पास में एक वेन आरख्य से क्वेश्चन है वह आरेख्य चुनिये जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है यानी अपने को देखना होगा कि कौन सा अपना वेन डायग्राम है वेन आरख्य सही है मतलब मिजोरम मणिपुर और, और भारत मिजोरम मणिपुर और भारत मिजोरम मणिपुर ये क्या है भारत के स्टेट है तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है क्वेश्चन नंबर दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है को दर्शाता है यानी प्लास्टिक लकड़ी और मेज को दर्शा रहा है ऐसा नंबर बताना है अपने पास में तो प्लास्टिक और मेज में क्या है फोर और सेवन है बट लेकिन सेवन क्या है लकड़ी नहीं है तो मतलब सेवन तो होगा नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर क्वेश्चन नंबर उन्तीस यदि P का अर्थ डिवाइड है P का अर्थ डिवाइड है और Q का अर्थ इंटू है और R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है तो हम क्या करेंगे सिक्सटीन Q क्या है इंटू ट्वेल्व पी डिवाइड सिक्स और आर प्लस फाइव और एस माइनस फोर तो इसको हम देखेंगे ट्वेल्व डिवाइड सिक्स यानी टू सोलह सिक्सटीन इंटू टू प्लस फाइव माइनस फोर तो ये कितना हो गया थर्टी टू प्लस फाइव माइनस फोर इक्वल टू थर्टी थ्री आपका क्या हो जाएगा आंसर अगला क्वेश्चन है लूप पद ज्ञात कीजिए तो अपने को इसमें सीरीज देखना होगा यहां पे हम सबसे पहले डिफरेंस से निकाल के देखते हैं तो इनके डिफरेंस कितना है टू थ्री फाइव सेवन यानी हम देख पा रहे हैं ये क्या है प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो सेवन के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका इलेवन और इलेवन एटीन प्लस इलेवन कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन आपका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है ये भी लुप्त पद ज्ञात करना है इसमें भी हमें तो यहां पे हमारे पास में क्या डिफरेंस है टू थ्री फोर फाइव और सिक्स यानी फिफ्टीन प्लस six कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी क्या हो जाएगा आंसर अगला क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है अपने पास में इसमें क्या बोल रहा है एक महिला की और इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी की पुत्र वधु है यानी एक महिला न... महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है यानी ये लड़की है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रही है कि वह मेरे पिता वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी उस लड़की का क्या भाई इकलौते पुत्र की दादी दादी की क्या है पुत्र वधु है मतलब पुत्र वधु है तो वह महिला उस लड़की से किस तरह संबंधित है तो वह लड़की किस तरह संबंधित हो गई यानी हम महिला को क्या है सर्कल इस, सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आदमी पुरुष को क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन नंबर तैतीस बी पी का पति है बी बी पी का पति है बी पी का क्या है पति है क्यों ई का इकलौता पोता है एक बार के लिए हम क्यों यहां माने और ई को यहां माने इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है कौन है डी की पत्नी क्यों क्यों क्या है डी की पत्नी है तथा पी की क्या है सास है पी की क्या होगी सास तो अब क्या बताना है बी का डी से संबंध बताना है बी का डी से संबंध बताना है तो ये क्या हो गया इसका पुत्र हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा पुत्र अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इसमें क्या है दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए तो इसमें हमें क्या करना है दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये देखो ये दर्पण अपना यहाँ लगावा मतलब अपने को दर्पण देखना है दर्पण यहाँ लगा हुआ है तो ये दर्पण लगा हुआ मतलब ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या है उल्टा बना ये भी गलत है और ये ये भी गलत है ये भी सही नहीं है तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट क्यों दर्पण यहां बना हुआ है तो ये फिगर यहां बननी चाहिए ना तो यहां बनेगी तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर पैंतीस देखो दिए गए शब्द या आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए तो इसमें भी अपने को क्या करना है दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो दर्पण अपना यहां लगा हुआ है तो मतलब ये सर्कल इस साइड में सबसे पहले आएंगे तो देखो इस ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या ये सर्कल गलत बने हुए मतलब ये गलत है और ये एज एट इज ऐसे बने हुए तो ये वैसे ही गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं अपने को क्या करना है इसमें त्रिभुज काउंट करने इस फिगर में त्रिभुज काउंट करने तो त्रिभुज काउंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे डायरेक्ट देख लेंगे कितने बॉक्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट और एट इन तो कितना हो जाएगा 16 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं इसमें अपने को क्या करना है इस फिगर में अपने को वर्ग काउंट करने तो वर्ग काउंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सिंपल फिगर में वर्ग काउंट कर लेंगे तो जैसे मेरे पास में ये सिंपल फिगर बनी हुई है तो ये सिंपल 1 2 3 और 1 और 2 तो ये इसको इस और इसको इनटू कर दें मतलब 3 टू प्लस टू इंटू वन यानी सिक्स प्लस टू कितने हो गए एट तो यही हो गए फिर आप देख रहे हो अतिरिक्त वर्ग कौन से बन रहे हैं एक आपका हो गया, ये। एक हो गया ये एक हो गया ये एक हो गया ये और एक हो गया ये मतलब चार तो ये हो गए और एक क्या हो गया ये हो गया पांच ठीक है पांच इसमें है प्लस पांच और एक दो तीन और एक ये चार चार ये हो गए तो कितने हो गए अपने ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन अब आप सोच रहे हो कि कि सर ये बाहर वाले तो काउंट नहीं किए बाहर वाले हमने क्या कर लिए इसमें सिंपल फिगर में काउंट कर लिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेवनटीन क्वेश्चन नंबर अड़तीस एक आदमी पूर्व की ओर पांच किलोमीटर जाता है कहां जा रहा है पूर्व की ओर जा रहा है मतलब ये लो पांच किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है फिर वह है दाएं मुड़कर चार किलोमीटर जाता है फिर क्या कर रहा है वो दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर कितना जा रहा है दाएं मुड़ के चार किलोमीटर जा रहा है तब वह बाएं मुड़ता है और पांच किलोमीटर जाता है और फिर वो क्या कर रहा है बाएं मुड़कर कितना जा रहा है पांच किलोमीटर जा रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है यानी उसका मुंह किस दिशा में है मतलब उसका मुंह पूर्व दिशा में ही है क्वेश्चन नंबर उनचालीस अगला क्वेश्चन देखो

और ए का अपोजिट हो जाएगा ई e. तो अब हमें देखना अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए किसी भी पासे में तो ये देख रहे हैं हम ए और ई e आ रहा है इसमें तो ये तो बनेगा नहीं यहां पे सी डी सी डी आ गया तो ये भी नहीं बनेगा यहां पे ए फिर डी फिर बी मतलब आपका ऑप्शन थर्ड बन जाएगा और यहां पे सी और डी आ गया तो ये भी नहीं बनेगा यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक पासे के तीन स्थितियों को दर्शाया गया है तो छह के विपरीत सतह की संख्या बताइए तो हमें क्या करना है छह के विपरीत सतह की संख्या बतानी है तो हम यहां पे देख रहे हैं किसी भी दो पासे का क्या करना है को एक कॉमन लेटर ले लेंगे हम तो यहां पे हम कॉमन डिजिट ले रहे हैं क्या ले रहे हैं जैसे पासा फर्स्ट और पासा थर्ड इसमें आपके पास में कॉमन है थ्री तो मैं यहां थ्री थ्री लिख रहा हूं बाद मैं क्या क्लोक में क्या करूंगा चल दूंगा तो यहां पे आ गया मैं। अब मेरे पास में थ्री के बाद में क्या है टू और सिक्स और वहां पे थ्री के बाद में क्या है फाइव और फोर तो मैं अब देख रहा हूं आपके पास में ये क्या बच गया एक बच गया यानी थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा वन ठीक है तो आपका अपोजिट सिक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा सिक्स काउजेंड ट्वेंटी फोर में आपका स्वागत है यहां हम फिजिक्स का सोल्यूशन कर रहे हैं फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर है फोर्टी वन जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति कहलाती है पहले बच्चों ये कौन सी गति होती है ये गति होती है एक समान गति जब समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो गति होती है कौन सी एक समान गति नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ऐसा में इसे व्यक्त किया जाता है आपको याद होगा इसे कन्वर्ट करने के लिए हम फाइव बाई एटीन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई अपना आंसर आ जाएगा कितना एटीन फाइव ज फाइव फाइव ज कितना आ जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ये नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक सीधी रेखा में गतिमान कण के वेग में परिवर्तन का आरेख दिखाया गया है कण द्वारा चार सेकंड में तय की गई दूरी होगी दूरी पूछिए इसका मतलब हमें वेग और किसमें ग्राफ दिया गया है टाइम में इसका एरिया हमें चाहिए है उस एरिया को कैलकुलेट हमें करना है अलग अलग पार्ट का एरिया हम निकाल लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ देखो ये वाला एक ट्राइंगल है वन बाई टू इंटू बेस हो जाएगा वन इंटू ट्वेंटी ये आंसर आ जाएगा कितना टेन पहला आंसर आ जाएगा दूसरा एक रेक्टेंगल यहाँ हमें दिख रहा है तो यहाँ इसकी हाइट है कितनी ट्वेंटी इन ये वन कितना आ जाएगा ट्वेंटी यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ से यहाँ ले लेते हैं हम और इस दो रेक्टेंगल के लिए ये रेक्टेंगल के लिए अपने पास आ जाएगा लेंथ है टू और हाइट है टेन कितना आ जाएगा फिर से इस वाले पार्ट का भी ट्वेंटी और जो एक पार्ट है ट्राइंगल अपने पास बचा है उसके लिए अपने पास आ जाएगा वन बाई टू बेस है इसका वन इनटू हाइट है कितनी यहाँ से यहाँ की टेन कितना आ जाएगा फाइव तो ये सारे जब हम ऐड करेंगे टेन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड फाइव ये आंसर आ जाएगा अपना फिफ्टी फाइव ऑप्शन विल बी थर्ड नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है गीजर है पानी गर्म करके देता है हीटर ड्राए हेयर ड्रायर है सॉरी और एक है हीटर तो तीनों ही हमें आ, विद्युत धारा के कैसे प्रभाव पे काम करते हैं तापीय प्रभाव पे काम करते हैं तो ऑप्शन होगा हमारा उपरोक्त सभी नेक्स्ट है विद्युत धारा में है यानी विद्युत धारा फिर से कौन कौन से प्रभाव शो करती है ये चुंबकीय प्रभाव भी शो करती है रासायनिक भी शो करती है और उसमें प्रभाव भी शो करती है इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल्ब में एक मिनट तक देखो एक टाइम दे दिया हमें एक धारा दे दी है हमें और पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चार्ज इज करंट तो देन क्यू इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एन ई e, जो क्वांटाइजेशन अपना होता है अपॉन टी तो अपना ऑप्शन आ जाएगा हमें फाइंड क्या करना है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी अपॉन ई आई हमें दे रखा है मिली एम्पियर है इसलिए मिली का मतलब है टेन टू पावर माइनस थ्री से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू टाइम जो है वो दिया है वन मिनट को सेकेंड में आप रखेंगे अपॉन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन इसे जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा कौन सा वन फिफ्टीन इंटू टेन टू पावर नाइनटीन ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट है अपने पास चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं सबको पता है सिंपल सा क्वेश्चन है कितने आएंगे दो नेक्स्ट आ जाएगा स्थाई चुंबकों के सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े के साथ रखा जाता है दो, दोनों पर कीपर्स के रूप में उसको रखा जाता है चुंबक के आ, लोहे की पत्तियां रखी जाती हैं तो वो उसको क्या है वी चुंब करण से बचाती हैं जी हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन है एक बल्ब में होता है तो बल्ब में क्या होता है प्यारे बच्चों दो टर्मिनल और एक तंतु तो यहाँ पर दो टर्मिनल और एक तंतु हमारे पास दोनों ही ऑप्शन ये ठीक हैं यहाँ किसी विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में धारा की दिशा विद्युत सेल के ये टर्मिनल पूछ रहा है कि किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर फ्लो होती है तो करंट आपको पता होगा धन सिरे से किधर होती है ऋण सिरे की ओर अपना ऑप्शन आ जाएगा धन से ऋण की ओर ऑप्शन टू थैंक यू आ, उम्मीद है आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा ऑल द बेस्ट Uh, आज हम लोग बेटा टेक्नो 24 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का और क्वेश्चन नंबर हम 51 से स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 51 कि अमोनिया अमोनियम क्लोराइड और मिट्टी के मिश्रण को अलग कैसे कर सकते हैं देखो तरीका सिंपल है अमोनियम क्लोराइड हमको पता है बेटा एक ऐसा पदार्थ है जिसको यदि गर्म किया जाए तो वो सीधा लिक्विड में चेंज होने की बजाय वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा उर्जुपातन यानी कि सब्लिमेशन तो उर्जुपातन की प्रक्रिया अमोनियम क्लोराइड में हो सकती है से उस टेक्निक का हम यूज करके इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं

एक लाइकेन की स्पीसीज है जिस लाइकेन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं अब लाइकेन होता क्या है तो मतलब शैवाल और कबक के बीच का ही एक आ, सहजीवी संबंध है जिसको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं और लाइकेन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटा लिटमस जिसको बायोलॉजी के अंदर आप पढ़े होंगे कि इसको बेटा थैलोफाइटा कैटेगरी के अंदर हम लोग रखते हैं नेक्स्ट में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है केमिकल चेंज कौन सा है जल का विद्युत बिल्कुल यदि हम जल को इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम पास करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है तो रासायनिक परिवर्तन है ग्लास का टूटना भौतिक परिवर्तन शर्करा का अस्लीकरण भौतिक परिवर्तन और शर्करा को यदि हम गर्म करें शर्करा मतलब होगी बेटा चीनी की बात कर रहा है चीनी का फॉमूला और यदि इसको हीट करेंगे तो ये कार्बन में कन्वर्ट होगा साथ में वाटर या मोलिक्यूलों में सीओ टू और एच टू का फॉर्मेशन करता है

चीज़। जो रिवर्स होता हो उत्क्रमण का मतलब क्या है जो एक बार हो गया वापस से हो जाता हो तो जैसे इसमें बर्फ का पिघलनाच टू लिक्विड फॉर्म में है इसको आप हीट करोगेगी धो गए सॉलिड में तो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये उत्क्रमण है बीजो कॉन्क्रीट होना अनुत्क्रमणीय ये भी अनुत्क्रमणीय ये भी अनुत्क्रमणीय तो आंसर क्या है बड़ा फर्स्ट ऑप्शन वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर डायरेक्ट है नीचे दिए गए बॉक्स में वन और टू को भरना है भरना कैसे देखो ये बोल रहा है दहन करेंगे किसी चीज का तो गैस कौन सी निकलेगी निकलेगी खूब पता है दहन करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है सब ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है इसके अलावा ऑक्सीजन तो हमको दे रखा है यहाँ पे इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं आ सकता यहाँ पे कोई सीक्वेंस आना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि सब सी टू आ सकती है आ सकती है फर्स्ट में कौन दे रखा है अपन को श्वसन यदि हम यहाँ पे स्वशन की क्रिया का याद करें

तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखें एक सिवाल और एक कवक सेकंड है सेवाल और एक पेड़ कवक और एक पेड़ जीवाणु और फली की पौधे फले के फली के पौधों में तो देखो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है दो जीवों के मध्य के बारे में बात करें लोग तो इसमें जो तो फर्स्ट है सवाल और कवक सवाल किसको बोलेंगे अपन एलगी और कवक किसको बोलेंगे बोलेंगे फंगस तो इन दोनों के मध्य के संबंध को अपन क्या बोलते हैं लाइकन बोलते हैं क्या बोलेंगे लाइकन। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया फर्स्ट पहला होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर नेक्स्ट फिर देखो रोहिणी एक परजीवी पौधा है जिसमें हरी पत्तियां कैसी होंगी आंशिक हरणी आंशिक अधीन संपूर्ण अधीन है और संपूर्ण अधीन नहीं है तो तरुण जो एक परजीवी पौधा है वो एक आंशिक पौधा है

बोलेंगे लेकिन इसका जो सही जो आंसर है जो एस मिलती है रफ्लेशिया एक संपूर्ण परजीवी पौधा है नेक्स्ट आपके अनुसार मांसाहारी में किस प्रकार के दांत विशेष रूप से विकसित होते हैं किसके अंदर अपन मांसाहारी मांसाहारी की बात करें जिसको अपन क्या बोलते हैं कार्निवर्स बोलते हैं तो हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर चार टाइप के क्या होते हैं चार प्रकार के दांत होते हैं ठीक है दंत होते हैं जिनमें कृतनक पहला है कृंतक दूसरा रदनक तीसरा अग्र और चौथा है चयवर्णक तो इसके अंदर इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड कौन सा रदनक जिसको अपन कैनियंस बोलते हैं क्या बोलेंगे कैनियंस बोलते हैं ये मां जो मां जो एनिमल्स हैं जो पशु हैं उनके अंदर विशेष रूप से क्या होते हैं विकसित होते हैं नेक्स्ट वैस्क मनुष्य के लिए दंत सूत्र दंत सूत्र को हम बोलते हैं क्या इंग्लिश में बोलते हैं टूथ फॉर्मुला टूथ फॉर्मुला अपन ऑप्शन चीज भी गलत है दूसरा टू वन टू जीरो भी गलत है तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा ये वाला टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री नेक्स्ट यह है डैश यह शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग किसके अंदर करता है शरीर के विकास के लिए करने में करने की प्रक्रिया है तो इसमें पाचन अवशोषण मिलान या स्वांगीकरण इनमें से कोई नहीं तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्वांगीकरण बोल देंगे या फिर मिलान बोल देंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड उसके निम्न में से चल संधि की संख्या सबसे कम होती है चल संधि का मतलब होता है जो कि क्या करते हैं मूवमेंट कर सकते हैं क्या कर सकती हैं मूवमेंट कर सकते हैं तो मूवमेंट करने में रीढ़ की हड्डियां मूवमेंट कर सकती हैं भुजा और हाथ के हड्डियां कर सकते हैं और पैर की हड्डियां कर सकते हैं लेकिन खोपड़ी या कपाल की हड्डियां जो होती हैं जिनको अपन बोन्स बोलते हैं जिनको स्कल बोलते हैं ये कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकती तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी संधि सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देती है तो कौन सी दिशाओं में सभी दिशाओं के अंदर कौन सी जो कौन सी संधि जो सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देती है परमिशन देती है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट किसके अंदर बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट यही एकलौती ऐसी होती है जो कि चारों दिशाओं के अंदर जो कि चारों दिशाओं के अंदर हड्डियों को मूवमेंट करने में मतलब क्या कर रही है उसको चारों तरफ घूमने में क्या कर रही है हेल्प करती है अनुमति देती है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट से कौन सा जीव जीवित जीवों में इनमें से कौन सा सभी जीवित जीवों में होता है देखो जीवित जीव हड्डियां सब में नहीं होती रक्त ब्लड बोलते हैं वो सब में नहीं होता एंटीना एंटीना सब में नहीं होता लेकिन ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनको इंग्लिश में अपन सेल बोलते हैं ये चाहे वो प्रोकेरिटिक हो चाहे वो यूकेरिटिक हो सबके अंदर ही मिलेगी तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कोशिकाएं फिर उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल एजेविक घटक या फिर एजेविक को अपन क्या बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि पौधे बायोटिक होते हैं जानवर भी बायोटिक होते हैं वायु एबायोटिक है लेकिन सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं बायोटिक होते हैं जीवाणु बायोटिक है कवक कवक भी क्या है कवक भी क्या होते हैं बायोटिक फैक्टर्स लेकिन फोर्थ ऑप्शन जल और जो मिट्टी है वो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए आपके घटक के अंदर आते हैं तो इसका सही आंसर क्या सा हो जाएगा सही आंसर होगा इसका नंबर फोर्थ तो इसका सही आंसर कौन सा होगा नंबर फोर्थ अजैविक घटक के अंदर कौन सा आ जाएगा जल और मिट्टी ओके थैंक यू